गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक. सो वी विल बी पुटिंग वेरियस वीडियोस हाउ टू फिल फॉर्म ऑफ IBPS क्लर्क. सो वन इश्यू इज हाउ टू फिल द अटेम्प्ट कॉलम, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव डन फॉर IBPS क्लर्क. द गाइडलाइंस आर डिफरेंट फॉर SBI एंड IBPS. इन केस ऑफ IBPS क्लर्क, एज देर इज नो लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, the attempt is counted if you are appearing, if you had appeared in pre also. So all pre attempts are counted as attempt. So this should be very crystal clear. In State Bank of India guidelines are different, don't mix up. If you are filling the form of IBPS clerk, even if you have appeared for pre, it is counted as attempt. And number of attempt does not affect your selection. This is only a statistics. So give the right number of attempts in the application. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. IBPS क्लर्क का फॉर्म कैसे भरें, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, ये सीरीज हम चला रहे हैं. और इसीलिए मैंने आपको सलाह दिया कि 10 दिन तक अभी आप फॉर्म नहीं भरेंगे, पहले इन वीडियोस को देख लीजिए. अब एक कॉलम है नंबर ऑफ अटैम्प्ट कैसे काउंट करते हैं. नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट करने का तरीका SBI में सेपरेट है और IBPS में सेपरेट है. IBPS में नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है, प्री के अटेम्प्ट को भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट माना जाता है. तो यदि आप IBPS क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं, तो IBPS क्लर्क में कितनी बार आप प्री के एग्जाम में बैठे हैं, वो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट होंगे. फॉर्म भरा नहीं बैठे, वो अटेम्प्ट नहीं है. मगर अगर प्री में आपने एग्ज़ाम दिया है, जितनी मर्जी बार दिया है, वो आपको भरना है. अब कई लोगों को डर लगता है भरते हुए कि कहीं इससे मेरी सिलेक्शन में तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सिलेक्शन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये केवल स्टैटिस्टिक्स है जो वो अपने सर्वे के लिए आपसे कैलकुलेट कर ले रहे हैं. तो इसलिए निश्चिंत होकर जेन्युइन फिगर आप इसके अंदर भरें. गॉड ब्लेस यू ऑल.